तो हेलो हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग? होप आप सब बड़े होंगे। तो आ चुके एक और वीडियो के साथ वापस। ठीक है, तो आज हम एक अनाउंसमेंट कर रहे हैं वैसे तो, कि हमारा एक लर्निंग सीरीज आने वाला है थोड़े थोड़े दिनों के अंदर। ठीक है, उसमें मतलब बेसिक से लेके एडवांस तक बाइनरी ट्रेडिंग का मैं एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है, वीडियो वैसे अभी से बता रहा हूँ, वो लर्निंग वीडियोज होगी। अगर प्रॉपर सीखना होता है तो एक लॉन्ग वीडियो चाहिए, तो वो वीडियो सारी लॉन्ग ही बनेगी। उसमें सब कुछ मैं क्लियर आउट करूंगा कि कैसे ट्रेड लेने हैं, किस तरह ट्रेडिंग करनी होती है। ठीक है, एंड हर चीज हम क्लियर करेंगे, लाइक पैटर्न्स। ठीक है, तो वो जल्दी ही सीरीज आ जाएगी। तो अभी मैं उसी पे ही वर्क कर रहा हूँ, इसलिए मैं ज्यादा वीडियो ट्रेड्स के नहीं बना पाता हूँ। तो जब भी वो वीडियो पहला वीडियो रेडी हो जाएगा, मैं अपलोड करूंगा और उसकी एक अलग से प्लेलिस्ट हम बना देंगे, जिससे कि आप इन फ्यूचर भी आप उसको देख पाए फ्री में। ठीक है, तो अभी चलिए सीधा स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो, यानी कि ट्रेड्स ले रहे हैं वैसे तो हम, तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, आज का इस सेशन स्टार्ट कर रहे तो हम, पहला हमारा जो चार्ट है, वैसे हम कम ट्रेड्स लेना है तो अमाउंट थोड़ा हाई रख के ट्रेड करते हैं। ठीक है, तो अभी हम पहला जो ट्रेड ले रहे हैं, हम लेंगे यूएसडी बीआरएल के चार्ट में। ठीक है, इसमें बेसिकली ट्रेंड देखे तो ट्रेंड एक प्रॉपर डाउन ट्रेंड है। ठीक है, और मार्केट में यहाँ गैप का लेवल है, और मार्केट ने गैप अप किया है और प्रीवियस ग्रीन कैंडल के अबव ही किया है। तो ये कैंडल एक श्योर है कि रेड कैंडल ही बनेगा, क्योंकि हमारे पास स्टोरी डाउनवर्ड डायरेक्शन, यानी कि मतलब सेलर्स मोमेंटम स्ट्रांग है, दो रिट्रेसमेंट कैंडल आ रही है। ठीक है, और यहाँ पे हमें स्ट्रेंथ बढ़ती हुई नहीं दिखी है, बट इस कैंडल पे मैं ट्रेड नहीं किया क्योंकि एंट्री मिस हो गई है। ठीक है, वैसे कैंडल बनेगा रेड क्योंकि ऊपर गैप का लेवल है, उसको स्किप करना चाहिए था क्योंकि प्रीवियस जो रेड कैंडल बनी है उसे वहीं से रिजेक्शन है, ये गैप के लेवल से। तो अभी तो फिलहाल ये कैंडल रेड ही बनना चाहिए, नेक्स्ट कैंडल भी रेड बनेगा। ठीक है, तो अभी तो फिलहाल मार्केट ने वीक को ब्रेकआउट किया है और नेक्स्ट में डाउनवर्ड डायरेक्शन के ट्रेड के लिए जाऊंगा। ठीक है, और ये कैंडल ने गैप अप किया और यानी कि ये श्योर कैंडल है कि ये रेड कैंडल आएगी और नीचे का जो ये सपोर्ट है उसको ब्रेकआउट करेंगे। ठीक है गाइस, हम वैसे भी श्योर ट्रेड्स लेने ही आए और 3 4 5 ट्रेड लेके सेशन क्लोज ही करना है, इसलिए मैं बड़े अमाउंट ट्रेड कर रहा हूँ। तो अभी तो फिलहाल ये कैंडल रेड बनेगा क्योंकि हमारे पास स्ट्रांग डाउन ट्रेंड है और हर ट्रेंड में बीच में रिट्रेसमेंट आती है क्योंकि कोई ना कोई लेवल्स तो ब्रेक होते हैं। ठीक है, जिसके बाद मार्केट को रिट्रेसमेंट चाहिए होता है, तो इस वजह से ये दो कैंडल जस्ट रिट्रेसमेंट आई क्योंकि मार्केट में हमें दिख रहा था ऊपर गैप का लेवल है और हायर वीक में गैप था, बट यहाँ पे बायर्स वीक हो गए इस कैंडल में। ठीक है सेलिंग कैंडल, बाइंग प्रेशर है, बट वो अपने लिए वैलिड नहीं है क्योंकि इस कैंडल ने गैप अप किया है और प्रीवियस ग्रीन के ऊपर किया है, बट इस रेड को जहां से रिजेक्शन है वो गैप का लेवल था, तो इस वजह से ये कैंडल रेड बनी है। ठीक है, तो ये अपना ट्रेड विन हो गया है गाइस। ठीक है, अभी मार्केट ने यहाँ पे 50 का राउंड नंबर्स, एक सेकंड इसको मैं थोड़ा ऊपर कर देता हूँ, 50 का राउंड नंबर्स यहाँ पे ब्रेक किया है। ठीक है, तो मार्केट में यहाँ से वापस से मैं डाउन डायरेक्शन का ट्रेड बना सकता हूँ। ठीक है, क्योंकि मार्केट ने 50 का राउंड नंबर, सॉरी, तो सॉरी गाइस, हाँ, तो ये कैंडल हमारे एंट्री पॉइंट के नीचे ही क्लोज होना चाहिए बिकॉज हमने 50 के राउंड नंबर्स के अबव ही एंट्री बनाई है, यानी कि ठीक है यहाँ पे 50 का राउंड नंबर्स होना चाहिए यहाँ पे। ठीक है, वैसे हमें एंट्री इसके ऊपर बनाई है तो ये लॉस क्यों हुआ है वैसे तो हमें आइडिया नहीं है। डाउन ट्रेंड में रिट्रेसमेंट नहीं आनी चाहिए थी, लाइक इस लेवल का ब्रेकआउट हुआ है, बट यहाँ पे मेरे को एक ये लोअर लो का टारगेट भी मिला था इस कैंडल में, तो वो चीज मैंने नहीं देखी। तो मतलब ये एक जल्दबाजी में लिया गया ट्रेड है, वैसे कोई दिक्कत नहीं है गाइस, वैसे कैंडल रेड भी बन सकती थी यहाँ क्योंकि स्टोरी मेरे पे डाउनवर्ड डायरेक्शन की थी, तो मैंने रिट्रेसमेंट का एक्सेप्ट मतलब एक्सपेक्ट नहीं किया था यहाँ पे, यानी कि यहाँ से एक बायर्स पोजिशन एक्टिव है इस लेवल के आसपास, तो
तो चलिए अभी चलते हैं वापस से, परसेंटेज जिसमें सबसे ज़्यादा होगा उसमें ट्रेड्स करते हैं अगेन। तो एक सेकंड गाइस, कुछ अलग अमाउंट डालते हैं अभी। ठीक है, लाइक मार्केट में अभी क्या हुआ है कि मार्केट एक डाउन ट्रेंड, करंट डाउन ट्रेंड में था, बट मार्केट ने प्रीवियस अपना लोअर हाई, ठीक है ये लोअर हाई का लेवल है, मार्केट ने यहाँ पे आके ब्रेकआउट करने का कोशिश किया है। तो मार्केट ने इसने ब्रेकआउट किया है, इस कैंडल का वेट करना पड़ेगा। वैसे मार्केट इधर को सपोर्ट बना सकती है क्योंकि मार्केट का टारगेट अभी एटलीस्ट इस ओवरलैप के लेवल को ब्रेकआउट करना है। अभी तो मार्केट में इसी लेवल से बायर्स एक्टिव दिखे हैं, ठीक है, बट वो कवर होते हुए दिख रहे हैं, यानी कि एक फेक ब्रेकआउट भी हो सकता है। तो इस वजह से अभी इस ट्रेड के अंदर नहीं जाना बेस्ट होगा हमारे लिए। हाँ, अभी जस्ट देखेंगे इस लेवल पे मार्केट का क्या रिएक्शन है, यानी कि यहाँ पे हमें देखना पड़ेगा क्योंकि एक रिट्रेसमेंट कैंडल भी आ सकती है। ठीक है, बाइंग आई है जो यहाँ पे प्रीवियस एंगल्फिंग के लेवल है वहीं से आई है, यानी कि बायर्स पोजीशन काफी डाउन है। एटलीस्ट मार्केट को ये लेवल ब्रेक करना चाहिए इस कैंडल में, नहीं करती है तो मैं नेक्स्ट सोचूंगा डाउनवर्ड डायरेक्शन में ले भी सकते, बट मोमेंटम हमारे पास सेलर्स का स्ट्रांग है। ठीक है, इस कैंडल को कहाँ से रिजेक्शन आई है, अगर इस कैंडल को यहाँ से रिजेक्शन आती जहाँ अभी मेरा कर्सर है तो यहाँ एक श्योर रेड कैंडल ही बनती, क्योंकि हमें दिख रहा है बायर्स पोजीशन काफी डाउन है, यानी कि बायर्स पोजीशन यहाँ पे डिफाइंड हुई है और अप ट्रेंड में नया लो लग चुका है। तो यहाँ पे ट्रेड डालना एक बेवकूफी होती मेरे लिए, इसलिए मैंने नहीं डाला है ट्रेड। ठीक है, तो चलिए फटाफट दूसरे चार्ट पे चलते हैं। USD/INR का चार्ट है, ऊपर हुई है एंगल्फिंग एंड ये जस्ट एक रिट्रेसमेंट कैंडल आनी चाहिए, मार्केट को यहाँ से रिजेक्शन आ रही है और यहाँ पे हमारे पास एम का नेकलाइन। अगर मार्केट इसके बिलो क्लोज करता है तो मैं नेक्स्ट एक डाउनवर्ड डायरेक्शन के ट्रेड के लिए ही जाऊंगा। ठीक है, एक सेकेंड, बायर्स कहाँ से आ रहे हैं, और इन्होंने फ्लैट ओपनिंग की है और एक्चुअली में एक सपोर्ट पे की है, तो यहाँ ये एक ग्रीन कैंडल ही बनेगी। ठीक है, एटलीस्ट टू दिस लेवल मार्केट एक ग्रीन कैंडल ही बनाएगा। तो मैंने यहाँ से अपना एंट्री कॉल डायरेक्शन में प्लेस कर दिया और उसमें मैं श्योर ही हूँ कि एक अपना गुड एंट्री पॉइंट के साथ ही विन होगा ये ट्रेड। मार्केट को एक सपोर्ट पे क्लोज हुआ कैंडल है तो ये एक ग्रीन कैंडल ही बनेगा। ठीक है, सॉरी सपोर्ट यहाँ पे था, ये एक सपोर्ट है, यानी कि यहाँ पे एंगल्फिंग का की लेवल है, ठीक है, और एक इवनिंग स्टार का भी की लेवल मौजूद है। तो इस वजह से इस ट्रेड में मैंने अपर डायरेक्शन का ट्रेड डाला है क्योंकि जो सेलर्स आने चाहिए थे वो इस एम की नेकलाइन से आ सकते थे बट वो नहीं आए। ठीक है, तो गाइस वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना। ठीक है, अभी ये ट्रेड्स की वीडियो मैं थोड़ा कम ही करूंगा एंड लर्निंग वीडियोस पे ज़्यादा फोकस करना है अपने को। ठीक है, कि सारे ट्रेडर्स जो स्मॉल ट्रेडर है वो अपना ग्रो करे अकाउंट, यानी कि मतलब पहले नॉलेज ले एंड उसके बाद ग्रो करे। अभी मार्केट एक रेजिस्टेंस पे क्लोज हुआ है और मार्केट में यहाँ से बायर्स दिख रहे हैं तो मैंने यहाँ से अपवर्ड डायरेक्शन का ट्रेड डाला। गाइस यहाँ पे बायर्स दिखे थे, यहाँ पे एंट्री डाली बट प्लेस यहाँ पे हुई है, तो अभी तो 50-50 ट्रेड है क्योंकि एग्जिट एक मेरा बोले तो एक रेजिस्टेंस के ब्रेकआउट पे ट्रेड था। ठीक है, और एक्चुअली में यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है जो मैं प्रीवियस कैंडल में ही पता चला है। ठीक है, तो एटलीस्ट मेरा ट्रेड यहाँ होता तो मैं एक श्योर ट्रेड होता ये मेरे लिए, तो मैं आंखें बंद करके विन भी कर लेता, यानी कि उधर मुझे विश्वास ज़्यादा होता। अभी मेरा एंट्री देखो तो काइंडली एक रेजिस्टेंस पे लगा है तो यहाँ से सेलर्स भी आ सकते हैं। ठीक है, अभी देखते हैं गाइस। तो अभी देखते हैं गाइस इस कैंडल का रिएक्शन एंड मार्केट में स्ट्रॉन्ग बायर आए और ये रेजिस्टेंस पे अगेन क्लोज आउट किए हैं, यानी कि वैसे तो मार्केट में ग्रीन कैंडल ही आना चाहिए ये, क्योंकि एंगल्फिंग के की लेवल से सपोर्ट लिया है मार्केट में। ठीक है, तो कैंडल तो ग्रीन ही बनना चाहिए ये, बट एंट्री यहाँ पे मुझे सेफ दिख रही है तो यहाँ पे आती है तो हम एक्चुअली डिफाइन कर सकते हैं, यानी कि एंट्री बना सकते हैं यहाँ पे क्योंकि मार्केट का टारगेट इसके ऊपर हाई लगाना है। ठीक है, जो अभी अधूरा है, तो ये कैंडल वैसे ग्रीन ही बनना चाहिए
क्योंकि मार्केट का टारगेट ऊपर ही है, जहां भी हमारा कर्सर है उसके ऊपर ही है, टारगेट को एक सॉरी मार्केट को एक हाई लगाना है, तो उसी हिसाब से फिर टारगेट अपना डिफाइंड है। और मार्केट एक्चुअली में रिवर्स कहाँ से हुई है, मार्केट एक्चुअली में ट्रेंड लाइन से ही सपोर्ट ले रही है वैसे तो, ठीक है। मुझे यहाँ पे कोई लेवल नहीं दिख रहा है जहां से मार्केट ने रिवर्सल की हो, ठीक है। अभी इस कैंडल में एक वापस से देखे तो बहुत लेवल से, तो ये कैंडल एक रेड भी बना सकते हैं क्योंकि टारगेट अचीव हो चुका है। तो यहाँ पे टारगेट क्लियर कट मीन्स क्लियर आउट हो चुकी है। ये अभी मार्केट थोड़ा बैड कंडीशन में, यानी कि थोड़ा साइडवेज हो रखा है। हाँ, तो ये अपना कौन सा चार्ट है, कैड सीएचएफ, ठीक है। तो कैड सीएचएफ के चार्ट के अंदर हमारा जो लेवल का डिफाइन था वो एक ब्रेकआउट हो चुका है, और ये कैंडल अगर जिस लेवल के ऊपर क्लोज आउट होता है तो हम यहाँ से कंटिन्यूएशन के लिए जा सकते हैं। वैसे रेड ग्रीन पैटर्न है तो, पर यहाँ अगर मेरे एंट्री जहाँ पे अभी मेरा कर्सर है उसके ऊपर क्लोज आउट होता है तो यहाँ से मैं कॉल डायरेक्शन के ट्रेड के लिए जा सकता हूँ, क्योंकि मार्केट में जो सेलर्स आए वो इस बार मॉर्निंग स्टार के की लेवल से नहीं आए हैं, ठीक है। तो इस वजह से तो यहाँ पे गाइस स्ट्रॉन्ग सेलर्स आए हैं, उन्होंने बायर्स पोजीशन काफी अप डिफाइंड भी की है, और यहाँ पे ऐसा कोई पैटर्न वगैरह नहीं बनाया गया कि जिस पे हम कंटिन्यूएशन के लिए जाए। तो चलो छोड़ो इस चार्ट को, लाइव मार्केट में आते हैं। तो ये है यूरो यूएसडी का चार्ट, ठीक है। यहाँ पे यूरो यूएसडी का चार्ट है और ये एम का नेकलाइन है। मार्केट का टारगेट इसका ब्रेकआउट करना इस कैंडल के अंदर, अगर ये नहीं कर पाते हैं तो फिर मार्केट यहाँ से रिवर्स हो सकती है, ठीक है, क्योंकि ये मार्केट में प्रीवियस हाई और लो का लेवल है। मार्केट में ये हमें याद रखना है कि एक हाई और लो का लेवल है, तो अगर मार्केट यहाँ से रिवर्स नहीं होती मीन्स यहाँ इसको ब्रेक नहीं करती है तो फिर मार्केट रिवर्स हो सकती है। टारगेट है इस कैंडल का मीन्स नीचे की नेकलाइन को ब्रेकआउट कर, बट इस कैंडल में तुरंत हमें बहुत मार्जिन सेफ्टी लेनी पड़ेगी क्योंकि बायर्स पोजीशन डिफाइंड है ऑलरेडी यहाँ पे, ठीक है। और एक इस कैंडल ने किया है गैप अप, कैंडल वैसे ग्रीन बन सकती है गाइस, ठीक है, कैंडल ग्रीन बन सकती है, बट बायर्स पोजीशन हमें पता है कि काफी नीचे है, तो वहां तक आती है सपोर्ट लेती है तो हम कुछ ट्रेड्स को प्लेस करें, ठीक है। वैसे तो हमें यहाँ पे ही दिख रहा है कि एक सेकेंड गाइस, ठीक है, इस हिसाब से अभी सेलर्स ऊपर है बट बायर्स हमें काफी डाउन दिए, इस वजह से गाइस मैं ट्रेड के अंदर नहीं गया हूँ। वैसे शॉर्ट ट्रेड थी, एम की नेकलाइन के ऊपर ही क्लोज आउट हुआ है, ठीक है, बट हमें नहीं जाना, बेस्ट होगा हमारे लिए क्योंकि हमें एक्चुअली में मार्केट अभी काफी डाउन ट्रेंड में, तो रिवर्स नहीं कर सकते गाइस, ठीक है। अभी इस ट्रेंड लाइन का हम देखेंगे गैप तो यहाँ पे ही मिलेगा हमें, ठीक है। मार्केट हम देखते हैं इस हॉरिजॉन्टल लाइन के ऊपर क्लोज करता है तो हम कंटिन्यूएशन के लिए जा सकते हैं, बट एटलीस्ट कैंडल थोड़ा तो नीचे आए। देखते हैं इस कैंडल में से नीचे आती है या नहीं आती है, यहाँ पर एंटर चाहिए गाइस। और अभी मार्केट में हमें दिख रहा है ऊपर मॉर्निंग स्टार का लेवल है, और कैंडल रिएक्शन को ध्यान से देखो, वहां पे फाइट्स हो रही है बायर्स और सेलर्स के बीच। मार्केट को वैसे जाना ऊपर है बट वो नहीं जा पा रहे हैं क्योंकि ट्रेंड और स्टोरी हमारे पास डाउन की, तो छोड़ो गाइस जहाँ पे एंट्री नहीं मिल रही है, कैंडल एक तो नीचे नहीं आ रही है फटाफट मीन्स जहाँ पे एंट्री चाहिए होती है वहाँ पे कैंडल्स नहीं आ रही है। वैसे भी एक दो ट्रेड्स ही लेने फिर सेशन में क्लोज ही कर रहा हूँ, साइडवेज नहीं चाहिए मुझे, क्लियर ट्रेंड लाइक दिस, ठीक है। यहाँ पे मार्केट ने क्या किया है, प्रीवियस लोअर हाई का, ठीक है, चार्ट पे फोकस कीजिए, प्रीवियस लोअर हाई का ब्रेकआउट, और ये एक रिट्रेसमेंट कैंडल भी हो सकती है, और ये स्ट्रॉन्ग ग्रीन के 50% के आसपास ही क्लोज आउट हुआ है, ठीक है। अभी हमें स्ट्रॉन्ग ग्रीन का 50% पहचानना हो तो ये रहा गन बुक्स टूल, ठीक है, ये रहा गन बुक्स टूल, और इसको एटलीस्ट बॉडी से तो यहाँ पे 50% का लेवल है और उधर से रिजेक्शन आई, इस वजह से ये कैंडल ग्रीन बन गई, ठीक है गाइस, सिंपल ट्रेड है।
तो अगर ये कैंडल रेड को एंगल्फ करती है तो मैं नेक्स्ट ग्रीन के लिए जा सकता हूँ 100% श्योरिटी। ठीक है, तो देखते हैं अभी। अरे ये नहीं चाहिए, ठीक है, मैं हॉरिजॉन्टल लाइन चाहिए आई थिंक। यस, बट यहाँ पे एक मॉर्निंग स्टार का भी की लेवल है, बट हम यहाँ से अपवर्ड डायरेक्शन में ही जाना चाहेंगे, बट सेलर्स थोड़े डाउनवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट हो रहे हैं। ठीक है, अभी इस कैंडल ने किस लेवल को स्किप आउट किया? वैसे तो हमारे पास कोई यहाँ पे लेवल्स नहीं है गाइस, ठीक है, तो सपोर्ट नहीं बनाएगा आई थिंक अभी इस लेवल को, तो कैंडल रेड बना सकते हैं। लाइव मार्केट के काफी लूचेज है, ठीक है, यहाँ पे अभी करंट एक एम पैटर्न बन रहा है, तो नेक्स्ट हमारे लिए सपोर्ट जो रहेगा वो एक्चुअल में एम का नेक लाइन ही रहेगा लाइक, ठीक है, ऐसा एम बन रहा है नॉर्मली एक छोटा सा चार कैंडल्स का। अगर ये कैंडल रेड बनती है तो एम कंटिन्यूएशन में करेगा, वरना यहाँ पे भी वही रेड ग्रीन पैटर्न चलेगा तो फिर मुझे अगेन चार्ट को चेंज ही करना पड़ेगा। अपॉर्चुनिटी फाइंड करने के लिए गाइस पेशेंस होना चाहिए, शॉर्ट टर्म्स के लिए आपको पेशेंस चाहिए। ठीक है, कैंडल अगर रेड बनता है तो फिर ठीक है गाइस, ग्रीन बना है तो यहाँ से मैं कंटिन्यूएशन के लिए जाना चाहूंगा। ठीक है, ये कैंडल हमें एंट्री लेवल के बिलो देता है तो हम यहाँ से कंटिन्यूएशन के लिए जाएंगे। ठीक है, और यहाँ पे मैंने ट्रेड को प्लेस कर दिया है क्योंकि अभी जो मार्केट में जो सेलर्स आ रहे हैं वो एक्चुअली में मॉर्निंग स्टार के की लेवल से आ रहे हैं। पहले मैं इस लाइन को यहाँ पे ले जाता हूँ एंड आपको बताता हूँ जो मॉर्निंग स्टार का की लेवल है करंट, वहां से ही सेलर्स आ रहे हैं, तो वहां तक तो गैप ये फिल करना बचेगा ना, तो मार्केट श्योरली एक ग्रीन कैंडल बनेगा क्योंकि बायर्स मोमेंटम स्ट्रांग है और सेलर्स की एक बीच में रिट्रेसमेंट कैंडल आई है। ठीक है, तो गाइज अगर ये ट्रेड विन होता है लॉस होता है, ये मेरा लास्ट ट्रेड है क्योंकि मुझे भी कुछ काम है तो मेरे को उधर जाना है। ठीक है, ये लॉस हो या विन हो इसके बाद मैं सेशन क्लोज ही कर रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि यार एक तो फोन आते तो मैं ट्रेड ढंग का कर नहीं पाता, तो गाइज ये ट्रेड अपना वैसे लॉस ही है। ठीक है, कितना मिनट का लगाया, ठीक है, ये ट्रेड गाइज अपना लॉस ही है, यानी कि दो लॉस हुआ है। ठीक है, ठीक है, मीन्स वही सही है कि प्रेशर में ट्रेड है क्योंकि अभी मुझे जल्दबाजी में जाना भी है और काम भी है, तो इस वजह से सेशन को यहाँ पे क्लोज करते हैं। 5000 रुपीज आज गेन किया, वैसे मैं रात को कर ही लूंगा। तो गाइज मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और नई लर्निंग सीरीज के लिए आप रेडी रहे सीखने के लिए। ठीक है, तो गाइज मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, अलविदा एंड मिलते हैं अभी नेक्स्ट वीडियो के अंदर।